एवरीवन, सो आज हम जा रहे हैं वृंदावन और हमारा लाइक बिल्कुल सडन प्लान बना है कि चलो वृंदावन चलते हैं कृष्णा जी के दर्शन करने. सो आप हम लोगों की हालत देख रहे हो, बिल्कुल टायर्ड फेस, और हम चल दिए कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए. मेरे को तो आपने देख लिया, अब आप दीप को भी देख लो, ये फुल ऑन टायर्ड है, फुल मतलब लाइक आई थिंक एक दिन से पूरे सोए नहीं है. सो चलो, हम वैसे वृंदावन तो पहुँच गए थे. वृंदावन पहुंचने के बाद हम लोग होटल्स देख रहे थे और हम लोगों को बिल्कुल भी कोई होटल अच्छा लग ही नहीं रहा था. आई मीन इन्होंने इतने ज़्यादा होटल्स ट्राई कर लिए थे जा जाके कि ये बेस्ट होगा, वो बेस्ट होगा, या पता नहीं और जितने भी हमने होटल्स देखे. सो एक होटल और था जहाँ पे ये गए थे देखने, और ये देखो चल कर आ रहे, और मुझे लग ही रहा था कि शायद से ये मना करने वाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी वृंदावन आ चुकी हूँ और बहुत सारे होटल्स देख चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ के होटल्स पता है. अब इनका रिएक्शन सुनना गाइस, साफ मना करेंगे कि नहीं चलो यहाँ से, नहीं रुकना हमें. सो हम गाड़ी ऑन करी और हम ये वाले होटल को भी स्किप करके चल दिए, और लिटरली हमें होटल ढूंढते ढूंढते ना, मैं सच बता रही हूँ, 3-4 घंटे हो चुके थे, और मैं सीरियसली अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी क्योंकि मैं इनको बोल रही थी कि दीप यहाँ के होटल्स ऐसे ही हैं, बट पता नहीं क्यों ये शायद मेरठ या दिल्ली के होटल्स से रूम कंपेयर कर रहे थे और ऐसा कुछ ढूंढना चाह रहे थे, बिकॉज मैं वृंदावन पहले आ चुकी हूँ बट दीप शायद से सेकेंड टाइम आए हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम आए थे बट इन्होंने स्टे नहीं किया था. सो मे बी मतलब लाइक स्टे इनका फर्स्ट टाइम ही है. सो अब मैं लिटरली बहुत ज़्यादा ना इरिटेट हो चुकी थी, और मैं अब बिल्कुल ऐसी हो गई थी चुप, कि अब आप खुद ही देख लो मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगी, और मेरी इनसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी जो ये पता नहीं बोलना चाह रहे थे. आर्ग्यूमेंट होने के बाद मैं तो अब लाइक शांत के जो होगा देखा जाएगा, इनको जो समझ में आएगा मैं चुपचाप हाँ कर दूँगी. और टू बी ऑनेस्ट यार, इनको पूल भी ढूंढना था. और ये देखो यहाँ पे हम दोनों की गाड़ी में जो कन्वर्सेशन हुई थी, यहाँ पे हमारी लड़ाई हो चुकी थी, और ये हेड डाउन करके लाइक देखो जो करना है कर, और मैं भूख के मारे इरिटेट भी हो रही थी. सो मैंने यहाँ पे मंगाई अपने लिए कॉफ़ी और पनीर पफ या पता नहीं आलू पफ था, इनको कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये मुझसे इरिटेट हो चुके थे और मैं इनसे इरिटेट हो चुकी थी, और मेरा मन कर रहा था इनके बाल पकड़ूँ और बस इनको सुना दूँ. और फाइनली जाके हमने ये वाली प्रॉपर्टी डिसाइड करी कि हाँ हम यहाँ स्टे करने वाले हैं. सो देख लो आप ये होटल का फ्रंट फेस, और ये इसका रिसेप्शन था. रिसेप्शन देख लो आप कैसा दिख रहा है. ये रिसेप्शन था, और मैं आपको लाइक रूम भी दिखा दूँ. मैं सच बता रही हूँ, 3-4 घंटे बर्बाद करने के बाद हमने ये होटल फाइनल किया था, और ये था इसका रूम. और ये इतने ज़्यादा टायर्ड थे कि मैंने, देख रहे हो आप, मतलब लाइक जाते के साथ ही बेड पे ऐसे कूद के बस अब मुझे लेटने थे. तो मैंने वो बेड को कैप्चर नहीं किया. ये इसका वॉशरूम था, और मेरी हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं क्या ही बताऊँ. और फिर हम लोग फ्रेश फ्रेश होके थोड़ी देर रेस्ट करके निकल गए बाँके बिहारी दर्शन करने के लिए. तो हमने सबसे पहले, हमें एक चीज़ बहुत अच्छी मिली कि होटल से उतरते के साथ ही हम लोगों को यहाँ पे ई रिक्शा मिल गया. सो हमने ई रिक्शा किया और हम चले गए दर्शन करने के लिए. मतलब थोड़ा सा ठीक है, फ्रेश वाला फेस है, बट फिर भी टायर्डनेस थोड़ी सी मेरे फेस पर आपको दिख ही रही होगी, और ऑब्वियसली दीप के फेस पर भी. सो फाइनली हम पहुंच गए, और यहाँ से हमारा वॉकिंग स्टार्ट हुआ. बंदे ने उतरते के साथ ही बंटा पिया है, मतलब देख रहे हो, बंटा पीने के बाद हम चल दिए दर्शन करने के लिए. सो ये थी वृंदावन की गलियाँ, जहाँ पे खूब सारे कृष्णा जी की फ़ोटोज़ और ऑब्वियसली वृंदावन के पेड़े मिल रहे थे. और हम लोग चल दिए, जैसे मैं चल रही हूँ, और ये मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आया कि मैंने हील्स क्यों ली. सो ये मेरे हील्स संभालते हुए इन्होंने मेरी लाइक पूरा वृंदावन इन्होंने मेरी हील्स ही संभाली हैं. यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, आई थिंक इस गली से हम लोगों को जाना था दर्शन करने के लिए. सो हम चल दिए यहाँ पे, इतनी सारी अगेन फ़ोटोज़, कृष्णा जी की ड्रेस, माला एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें मिल रही थी. सो ये था बाँके बिहारी का मंदिर. और सच बताऊँ, हम लोग वृंदावन मतलब बाँके बिहारी के दर्शन करने के लिए हम लोग 7:30 निकले थे, और हमें इतना ज़्यादा रश नहीं मिला, वरना मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, सुना क्या, इवन मैंने देखा भी है. सो हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे. आप लोग देखो कितनी इजीली हमने हर एक चीज़ को कैप्चर करी, और मतलब एक दर्शन करके ना मज़ा ही आ गया, और बहुत ईजीली हम लोगों ने अपना प्रसाद भी चढ़ाया यहाँ पर. दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए और वापस मंदिर से निकल गए, और हम पहुँच गए प्रेम मंदिर. और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी मेरी हील संभाल के
चल रहे हैं और मैं पूरे वृंदावन नंगे पैर घूमी हूँ, मेरे को सीरियसली नहीं समझ में आया मैंने ये हील्स क्यों ही मतलब होटल से ली के चलो मैं हील्स पहन के घूम लूँगी पता नहीं क्या सोच के। सो चलो अब हम प्रेम मंदिर आ गए। प्रेम मंदिर देखो रात को कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ओ माय गॉड लाइटिंग देखो यार। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, हमारे फेस पे टायर्डनेस और पसीना देख रहे हो कितना, मतलब मुझे तो स्वेट बहुत कम आता है बट दीप को स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, इनका स्वेट ही देख लो कितना ज़्यादा ही नहीं आता, पूरे भीग चुके थे ये। और यहाँ पे ये वापस मैंने इन्हें बोला था जैसे हील्स देख लो इनके हाथ में ये, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ और ये मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं ना, लाइफ टाइम इन्हें ऐसे ही रहना है, मेरे पीछे पीछे चलते रहना है, मेरी हर बात माननी है। सो यहाँ पे अब हम अंदर जा रहे हैं, हमने जूते चप्पल रख दिए और ये प्रेम मंदिर इतना सुंदर लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर जब हम जा रहे थे ना यहाँ पे मतलब लाइक रात की आरती हो रही थी, मतलब कितना सही टाइम था, मुझे लग रहा था हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं पर जैसे ही हम अंदर गए और मेरे को पता चला कि यार आरती हो रही है, मतलब लाइक बहुत सुकून मिला। भीड़ हो रही थी यहाँ पे प्रेम मंदिर में, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने कैप्चर करी, आप लोगों को मैं कृष्ण और राधा जी की मूर्ति दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई। और फाइनली हम लोग प्रेम मंदिर घूमने के बाद वापस अपने होटल चले गए और भाई जो हमें रिक्शे वाले भैया मिले थे, स्वैग देखो इनका, रिक्शे में बैठना ही नहीं है, साइड में दोनों पैर लेके मतलब पैर रख के सॉरी चल दिए हमें होटल छोड़ने के लिए। और ये देखो इनको स्वेट देखो यार, मतलब मैंने सोचा था प्रेम मंदिर घूमने के बाद हम थोड़ी सी जगह और एक्सप्लोर कर लेंगे पर दीप को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो हम वापस अपने होटल चले गए। तो यहीं पर हमारा ब्लॉग ख़त्म हुआ, बाय बाय।